Bismillahir Rahman Rahim. Assalamu alaikum, class 7. Welcome back. Now we're going to solve question number 3 of exercise 15. Given on page number 193 pe diye gaye question number 1 and 2 ko hum isse solve nahi kar rahe beta ki kuch jo concepts hain wo aapko practical questions karne ke baad jaise ki aapke paas question number 3 4 5 and 6 hain practically jab aap exercise complete kar loge the wo concept aapke time ke sath bahut clear ho jayenge aur wo concept yahan par unhone blanks mein aur true false mein puche honge to aapko easy ho jayega in questions ko in blanks ko fill karna aapko concept lene ke liye cheezon ko suppose nahi karna padega theek hai ki first kare aise nahi to aise hai theek hai hum kyunki usko already questions attempt kar chuke honge to hamare liye इन ब्लैंक्स को सॉल्व करना और इन ट्रू फॉल्स की स्टेटमेंट्स को समझना बहुत आसान हो चुका होगा सो स्टार्ट करते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 से टर्न टू पेज नंबर 194 क्वेश्चन नंबर 3 ही सेज दैट ट्रायंगल एबीसी एबीसी इज इट अ ट्रायंगल यस एंड ट्रायंगल पीक्यूआर यू कैन सी पीक्यूआर आर कॉन्ग्रुएंट ही इज ऑलरेडी टेलिंग अस दैट बोथ द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट कॉन्ग्रुएंट का मतलब है कि इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आपस में इक्वल हैं एंगल्स इक्वल्स हैं साइड जो हैं वो इक्वल हैं नेक्स्ट वो कहते हैं राइट द कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स एंड एंगल्स अब जब वो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं तो आपने जो ए के कॉरेस्पॉन्ड कर रही है ना यानी ए के इक्वल है साइड कॉरेस्पॉन्ड कर रही है उसको वो लिखनी है देखने में तो क्लास आपको इट्स वेरी विजिबल और जिन बच्चों ने क्वेश्चन को अंडरस्टैंड नहीं किया होगा जिनको कॉन्ग्रुएंस का जो है कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा तो वो क्या करेंगे ए को इक्वल कर देंगे पी के बी को क्यू के और सी को आर के ये दोनों आपस में बराबर हैं देखें एंगल्स का मार्क भी लगा हुआ है मैंने आपको बेस लेक्चर में भी बताया था जिसका मार्क लगा होता है ना वो आपस में इक्वल होते हैं इधर भी मार्क लगा हुआ है इधर भी मार्क किया हुआ है एंगल को तो बोथ आर इक्वल आप लोगों ने सी और आर को इक्वल कर देना है ए को इट्स रॉन्ग उसने हमसे क्लियरली बोला है कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स अब मुझे कैसे पता चलेगा और आपको कैसे पता चलेगा क्लास के ये जो आपको दी गई हैं इसमें कोई किसी किस्म की कोई गड़बड़ है देखो बेटा इसकी लेफ्ट साइड देखें इसकी लेफ्ट साइड देखें दोनों के ऊपर डबल मार्क लगा हुआ है चलो ये तो आपस में इक्वल होगी क्या इन दोनों की राइट साइड्स के ऊपर डबल मार्किंग हुई हुई है इट मीन्स इसकी राइट साइड की इक्वल नहीं आ रही ये कॉरेस्पॉन्ड नहीं कर रही इनफैक्ट इसकी जो राइट साइड है इससे कॉरेस्पॉन्ड ज़रूर कर रही है बेसिकली आपको मैं इसकी टिप बता देती हूँ जब आपके पास दो ऐसे मार्क की हुई चीज़ें होती हैं इसके सेंटर एंगल को देखा करो दोनों साइड्स है ना मार्क की हुई इसका सेंटर एंगल सी बन रहा है इसमें देखें इस वाली ट्राइंगल के अंदर ऐसी कौन सी दो साइड्स हैं और उनका कौन सा सेंटर पॉइंट सेंटर में एंगल आ रहा है पी इसका मतलब ये दोनों आपस में कॉरेस्पॉन्ड कर रहे हैं ये जो ट्राइंगल दी हुई है ना ये रोटेट करके दी हुई है यानी इस तरफ बना दी हुई है ये जो पी है इसने इधर आना था टॉप पर और ये रोटेट होनी थी क्यू आर ने इस साइड पर आना था क्यू ने इधर ये रोटेट होनी थी ऐसे रोटेट होनी थी क्लॉकवाइज रोटेट करना था इसको तो ऑटोमेटिकली सी ने पी के इक्वल हो जाना था ए ने क्यू के इक्वल हो जाना था और बी ने आर के इक्वल हो जाना था आपको ऑल दो उसने ट्राइंगल्स दी हुई हैं बता भी दिया है कि ये कॉन्ग्रुएंट हैं बट वॉट इज़ दी मिस्टेक और यू कैन से कि इसमें ट्रिक क्या है बच्चों को कन्फ्यूज करने के लिए दोनों साइड्स इस तरह ड्रॉ की हुई हैं दोनों ट्राइंगल्स के साइड्स का इशू जो है ना वो क्लियर नहीं हो पा रहा मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि आपने इसको क्या करना है रोटेट एक तो मेथड ये है पुत्र इसको रोटेट करो बना लो दोबारा से इसको रीड्रॉ कर लो ये देखो मैं आपके सामने ऐसे ड्रॉ कर देती हूँ ये मैंने ट्राइंगल बनाई पुत्र मैंने यहाँ पर क्या किया बेटे पी इस पर लिख दिया क्योंकि ये देखें ये मेरी एक साइड है ये मेरी एक साइड दोनों साइड्स के सेंटर में क्या आ रहा है पी मैंने इसको रोटेट कर दिया ना ये ऐसे होगा तो फिर क्यू किस तरफ आ जाएगा इस साइड पे और आर इस साइड पे आ जाएगा ऑल राइट क्लास आप चाहो तो इसको रीड्रॉ कर लो मैं अभी आपको इसको अटेम्प्ट करने का मेथड सिखाती हूँ होना तो इसने सॉल्व बुक पर भी है इस पर भी सॉल्व करेंगे और आप चाहें तो कॉपीज़ पर भी सॉल्व कर सकते हैं आपको इस पर किसी किस्म की वो नहीं है रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप बुक के अलावा कॉपी पर मस्ट इसको सॉल्व करें ये सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए मैं कॉपी पर सॉल्व कर रही हूँ और जो बच्चे करना चाहते हैं वो कर सकते हैं ओके क्लास फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू राइट द क्वेश्चन देन यू हैव टू ड्रॉ द फिगर्स फिगर्स आपको ये पेपर में बनी हुई मिलेंगी ठीक है आप इसको भी फिलहाल इग्नोर कर देंगे जो मैंने इसके साथ 1, 2, 3 नंबरिंग की हुई है यू जस्ट डोंट नीड टू डू इट ये सेकेंड ऑप्शन है फर्स्ट ऑप्शन आपके पास है पुत्र आपने ये बनाई हुई है ये आपकी एक फिगर है ठीक हो गया नेक्स्ट वन जो आपने डायग्राम बनानी है ना रोटेट करके बनाएं आपने ये बना ली आप बेशक इसको ड्रॉ भी नहीं करो वैसे तो इट्स अ गुड इंप्रेशन कि आप इसको कर दो ड्रॉ अच्छा रहेगा आपके लिए आपको याद रहेगा बेटा ठीक है तो आप क्या करो इसको रीड्रॉ कर लो छोटे साइज में कर लें ठीक रीड्रॉ करते हुए आपने करना क्या है बिल्कुल सेम ऐसी ट्राइंगल बनाओ सिर्फ उसके जो एंगल्स लिखने हैं ना पी क्यू आर के वो आपने ध्यान से लिखने हैं जैसे मैंने अभी आपको बताया ये किसके इक्वल आ रहा था पी के पी को सेंटर में ले आओ
इसको रोटेट करना है, ये देखिए मैंने इसको रोटेट किया ना, जब पी टॉप पे चला जाएगा क्यू कॉर्नर में आ जाएगा, ये आर नीचे आ जाएगा, रोटेट हो गई क्लास, आर कॉर्नर में चला गया, क्यू इस कॉर्नर में और पी टॉप पर आ गया। अब ये दोनों सेम है, बिल्कुल सेम। वन टू को छोड़ दें, एंगल ए को देखो, एंगल ए किसके इक्वल आएगा क्लास, एंगल क्यू के। एंगल बी किसके इक्वल आएगा क्लास, एंगल आर के। और एंगल सी किसके इक्वल आएगा, एंगल पी के। सो आपने प्रॉपर लिखना है बेटे, ये देखिए मैंने क्या लिखा हुआ है, मेजरमेंट एंगल, इसको पढ़ते क्या है, मेजरमेंट एंगल क्यू। अब ये कॉरिस्पॉन्डिंग साइड मैंने एक ही लिख दी, ये आपको गिवन है, आपने इसके सामने लिखनी थी। एंगल बी की देखें, एंगल आर, मेजरमेंट एंगल आर और मेजरमेंट एंगल पी। अभी मैंने आपको इसको भी एक्सप्लेन कर दिया। अब हमारी सेकेंड रो रो बनी हुई है जो हमारे पास क्वेश्चन में है, वो क्या है, मेजरमेंट साइड्स की। पहले एंगल्स है, अब साइड्स। साइड की पहचान क्या होती है, साइड्स के ऊपर क्या लिखा होता है, ये देखें ए बी लिखा भाई, मेजरमेंट ए बी साइड, मेजरमेंट साइड ए बी, ठीक हो गया। ये तो बहुत इजी हो जाएगा अब आपके लिए। आपने इसकी लेफ्ट साइड देखी ए, सॉरी उसने फर्स्ट डिमांड की क्यू ए बी, आपने इसकी ए बी देखनी है। इसकी बेस क्या है, क्यू आर, आपने भी मेजरमेंट के लिए एम लिखना है, क्यू आर को लिख के ऊपर डैश बार लगा दें ऐसे, ठीक है। फिर उसके बाद उसने बी मेजरमेंट बी और सी मांगी है, ये राइट साइड पे है, इसकी राइट साइड पे कौन है, बी से सी की तरफ जाना है, तो आपने भी आर से पी की तरफ जाना है। आप भी लिखोगे मेजरमेंट आर पी ऊपर बार साइड की, ठीक है, साइड का मार्क लगाएंगे आप। मेजरमेंट सी ए, सी से ए की तरफ आना है, तो आप भी टॉप से डाउन की तरफ आओगे, लेफ्ट साइड पे पी क्यू, आप भी लिख दें मेजरमेंट पी क्यू से। ये आपकी क्या है, ये इसकी कॉरिस्पॉन्डिंग थी, ये जो है बी सी ये आर पी की थी और ए बी किसकी थी, क्यू आर की। तो इट मीन्स कि आपका क्वेश्चन तो हो गया डन। अब दूसरा मेथड, अगर इन बच्चों को रोटेट करने में इशू आ रहा है, नहीं समझ आ रही, तो इसका एक और मेथड होता है बच्चों। देखो आप ना इस साइड से पढ़ना शुरू करो ट्रायंगल को, इस साइड से या इस साइड जैसे मर्जी आप यहाँ से पढ़ना शुरू करें, ठीक है, राइट साइड से पढ़ना शुरू करते हैं इस एंगल, इस ट्रायंगल को। फर्स्ट नंबर पे जो एंगल आ रहा है उसको मार्क लगा दो वन, ये एक एंगल हो गया, एंगल लिख दो यहाँ पर। उसके बाद साइड इक्वल आ रही है, साइड का एस लिख दो, एंगल साइड, जो एंगल आ रहा है सेकेंड नंबर पर उसका मार्क लगा दो सेकेंड, फिर एंगल लिख दें, फिर साइड आ रही है एस लिख दें, फिर क्या आ रहा है आपके पास, एंगल, ठीक, फर्स्ट एंगल सेकेंड एंगल थर्ड एंगल। यहाँ पे जो लास्ट वाली साइड है वो इक्वल नहीं है, मार्क लगा हुआ है इस पर, नो मार्क तो नहीं लगा हुआ, इसलिए आप इसको ऐसे छोड़ देंगे। हमारा बन क्या रहा है, एंगल साइड एंगल साइड एंगल, देखें एंगल साइड एंगल साइड एंगल लिखते जाएं साथ साथ अब, और नंबरिंग करते जाएं, फर्स्ट एंगल सेकेंड एंगल थर्ड एंगल। अब इसको यहाँ से जैसे इसको पढ़ा है ना, आपने इसको भी यहीं से शुरू करना है। ज़रा करें स्टार्ट, क्या बन रहा है ये, एंगल साइड तो आ ही नहीं रही बेटे, ये देखें आ रही है यहाँ पे, साइड का मार्क आ रहा है, ये तो इक्वल है नहीं साइड, ये तो कॉरिस्पॉन्डिंग साइड ही नहीं है, इसलिए हम इसके आगे ए एस लिख ही नहीं सकते। ऑल राइट क्लास, तो अब आप क्या करोगे, इसको छोड़ दें, हम यहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं, देखते हैं क्या इससे चलती है, जैसे इसके इक्वल आने की कोशिश करें। देखिए जी, एंगल एंगल लिख लें, साइड मार्क की हुई है साइड लिख लें, फिर एंगल आ रहा है एंगल लिख लें, इनको नंबरिंग भी करते रहें, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड। अब यहाँ से जब हम चल रहे थे, एंगल साइड एंगल साइड एंगल, ये दोनों देखें बराबर हो गई। आप तो अब आप क्या करोगे, जैसे यहाँ से नंबर वन दिया था, नंबर टू नंबर थ्री, इसी तरह आपने इसको भी देना है। नंबर वन यहाँ से शुरू किया ना बेटे, क्यू से तो नहीं स्टार्ट हुआ, हमने तो चेक किया था क्यू से, लेकिन उसकी तो जो नेक्स्ट साइड आ रही है वो तो मार्क ही नहीं हुई हुई, इट मीन्स कि वो कॉरिस्पॉन्डिंग साइड नहीं है, तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे इस एंगल से। सो एंगल साइड एंगल साइड एंगल, यानी वन टू थ्री। अब आप इसके आंसर्स को फिट कर सकते हैं, एंगल ए पूछा हुआ है, देखो एंगल ए पे नंबर कौन सा आ रहा है, थ्री, नंबर थ्री पे कौन सा एंगल है, ये रहा, लिख दो इसको ना, इसका नाम दे दो एंगल थ्री, एंगल थ्री पे मेजरमेंट एंगल क्यू है। देखिए इस तरह करें या इस तरह करें, आंसर तो सेम ही आ रहा है ना बेटे। एंगल बी पे देखो कौन सा है, वन वन की तरह, ये रहा एंगल आर, सेम सेम। एंगल सी को देखो, एंगल सी पे टू नंबर लिखा हुआ है, टू नंबर लिखा हुआ है, एंगल मेजरमेंट एंगल पी, दोनों मेथड से आंसर सेम आया। अब आती है बारी ए बी की, बेटा ए और बी देखें थ्री से वन की तरफ, थ्री से वन कौन है, ये देखें थ्री से वन की तरफ मूव करें, ये थ्री से वन, तो आप थ्री से वन कौन था, ये देखें थ्री से वन की तरफ ए बी लिखा हुआ है, ए और बी, आपने इधर भी देखना है थ्री से वन की ऊपर क्या लिखा हुआ है, क्यू आर, देखें क्यू आर। उसके बाद उसने आपसे मांगे मेजरमेंट साइड बी सी, बी और सी इसकी नंबरिंग चेक करो, वन टू, वन टू किधर है, वन से टू, वन से टू की तरफ मूव करना है, यानी आर पी, देखो आर पी आ रहा है, और लास्ट आपके पास क्या है सी ए, तो सी ए बेटे हमारे पास किधर है, ये रहा, इसकी आपने जो नंबरिंग की है उसको देखें, सी आ सी ए का, सॉरी सी ए का लिखना है ना, तो टू थ्री, टू से थ्री की तरफ मूव करें, ये रहा टू ये रहा थ्री, इट मीन्स पी क्यू,
तो आप भी यहाँ पे क्या लिखोगे, मेजरमेंट साइड पी क्यू. आप चाहे इस मेथड से करो, चाहे इस मेथड से करो, दोनों से आंसर सेम आएगा. होपफुली आपको क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा. सो क्लास आपने अपनी अपनी बुक्स में इसको नोट कर लेना है, और ये इसका प्रोसीजर है. आप चाहो तो इसको ड्रॉ भी कर सकते हो, क्वेश्चन को नीट कॉपी पे नीट भी कर लें, यानी नोट भी कर लें इसको. अदरवाइज आप जस्ट बुक पे भी सॉल्व कर सकते हो. स्टूडेंट्स कीप ऑन डूइंग हार्ड वर्क, आगे बढ़ते जाना है, रुकना नहीं. स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़.